आजकल हमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और समटाइम्स हम बच्चों को जब मोटिवेट कर देते हैं तो वो इतने ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि चुटकी बजा के वो चीज़ हो जाए। प्रैक्टिकली बताऊंगा, चुटकी बजा के वो चीज़ नहीं होती। आप लोग मोटिवेटेड तो हो जाते हो, लेकिन आप लोगों की मोटिवेशन जो है ना वो उस कुछ टाइम के लिए होती है, 30 मिनट्स के लिए या घंटे के लिए या एक दिन के लिए जैसे कहते हैं वो रहती है। उसके बाद आप लोग अगेन नेक्स्ट डे फिर आप वो चीज़ें भूल जाते हो। हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि मोटिवेशन आपको डेली बेसिस पे भी याद करना पड़ता है। आपको वो चीज़ बार बार आपके दिमाग में डालनी पड़ती है कि येस यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। कुछ बच्चे जो हैं वो फ़ौरन समझ आते हैं, उस चीज़ कंप्लीमेंट कर लेते हैं, और कुछ जो है उनको बार बार बताना पड़ता है कि नहीं यार ये हो सकता है, आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ यार, किसी से मोटिवेशन लेने की बजाय खुद अपने आप से मोटिवेशन लेना करो, सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर काम करो। मैं सेल्फ मोटिवेशन पे काम करता हूँ, मुझे किसी से मोटिवेशन नहीं मिलती। समटाइम्स मैं किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुन लेता हूँ, ठीक है, मैं उसकी पॉजिटिव बात सुनता हूँ, उसको खुद पे इंप्लीमेंट करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मैं कितनी देर तक उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रह सकता हूँ। डिटर्मिनेशन मेरी कितनी है, मेरा फोकस कितना है, मेरी ग्रिप कितनी है, मैं कितना काम हूँ, मैं कितना पीसली चल रहा हूँ उसके ऊपर, और मैं चल रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, चलना बहुत ज़रूरी है। रुक जाओगे तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो चुटकी बजा के ऐसे करके आप में मोटिवेशन बढ़ी तो जा सकती है, लेकिन रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो फॉर दैट यू नीड टू हैव डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। तो प्लीज़ मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनने के बाद अपने अंदर वो कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन एक पैटर्न लेके आए कि आपने उस पैथ पे चलना है, देन यू वुड बी सक्सेसफुल। थैंक यू।